पहले जानते हैं कि वट सावित्री का पर्व क्या है और ये पर्व इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। ये ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार ये व्रत 22 मई को किया जाएगा। इसके साथ सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है, जिसमें सावित्री ने अपने संकल्प से और अपनी श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। महिलाएं संकल्प के साथ अपने पति की आयु और प्राण रक्षा के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हैं। इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। वट सावित्री का व्रत संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता है। अब ये जानते हैं कि इस व्रत में वट वृक्ष की यानी बरगद के पेड़ की ही पूजा क्यों की जाती है। देखिए, वट वृक्ष जो है, बरगद जो है, एक देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष में ही रहते हैं। प्रलय के अंत में भगवान कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास जी ने वट वृक्ष को तीर्थराज का क्षत्र कहा है। ये वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है, बल्कि काफी लंबे समय तक जीता है, जीवित रहता है। लंबी आयु, शक्ति और धार्मिक महत्व को ध्यान में रख करके इस वृक्ष की पूजा की जाती है और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी इस वृक्ष को इतना ज्यादा महत्व दिया गया। अब ये जानते हैं कि वट सावित्री व्रत का पूजा विधान क्या है। सुबह सुबह स्नान करके निर्जल रह करके इस पूजा का संकल्प लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। अगर ऐसा इस समय नहीं कर पा रहे हैं तो मानसिक रूप से वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज का ध्यान करें या मानसिक रूप से इनकी पूजा करें। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फूल, धूप और मिष्ठान से वट वृक्ष की पूजा करें। ये पूजा भी मानसिक रूप से की जा सकती है। इसके बाद कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं और सूत तने में लपेटते जाएं। कम से कम 7 बार परिक्रमा करें हाथ में सूत लेकर। मानसिक रूप से भी आप ऐसा कर सकती हैं। इसके बाद हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री, सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सासू माँ को दे करके उनका आशीर्वाद ले लें। वट वृक्ष की कोंपल खाकर उपवास समाप्त करें या नींबू पानी पी करके उपवास समाप्त करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। जानते हैं कि वट सावित्री वाले दिन यानी कि इस बार 22 तारीख को, 22 मई को कौन सा विशेष काम करना चाहिए। एक बरगद का पौधा जरूर लगवाइए। अगर संभव हो तो बरगद का पौधा किसी पार्क में, सार्वजनिक स्थान पर जरूर लगवाएं। इससे आपको पारिवारिक और आर्थिक समस्या नहीं होगी। निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री का दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेट करके अपने पास रखें, आपको लाभ होगा।